हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कितना खाएगा यार में। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा कड़ी, जो बनाने में आसान और बहुत स्वादिष्ट होती है। आपने हमारा पिछला वीडियो गट्टे की सब्जी वाला देखा होगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे। सबसे पहले आप आवश्यकता अनुसार अंडे उबाल लें, फिर जब वो ठंडे हो जाएं तो उनके छिलके अलग कर लें। अब एक कढ़ाई में तेल ले लें। जब तक तेल गर्म होता है तब तक दो प्याज लेकर बारीक काट लें और टमाटर का पेस्ट बना लें। अंडे फ्राई करने से पहले उनमें चम्मच की सहायता से थोड़ा सा छेद कर दें, जिससे कि अंडे अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब आप गरम तेल में अंडे डाल लें, पर अंडे डालते समय ये ध्यान रखें कि उन्हें एक एक करके और आराम से डालें, जिससे कि अंडे फटे नहीं। अब अंडों को सुनहरा होने तक फ्राई होने दें। जब आप अंडे फ्राई कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रहें कि आप अंडे से थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि अंडे फ्राई होते हुए चटकते हैं। जब अंडे फ्राई हो जाएं, तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब आप गरम तेल में जीरा और प्याज डाल लें और उन्हें सुनहरा होने तक पकने दें। अब एक कटोरी में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लें।
साथ में ही एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख लें। अब आप मसालों को कढ़ाई में डाल दें और उन्हें अच्छे से भून लें। फिर आप टमाटर का पेस्ट कढ़ाई में डालकर उसे पकने दें। जब ये सारी चीज़ें पक जाएं, तो फिर आप उसमें फ्राई किए हुए अंडे डाल दें और अंडों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप इसमें गर्म पानी डाल दें और स्वादानुसार नमक मिला लें। दोस्तों, अंडा कड़ी बनकर तैयार है। आप इसे खुद भी खाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।